जो घाटी 150 दिनों तक अशांत थी, जिस घाटी की तस्वीर ही पत्थरबाजी हो गई थी, जिस घाटी में आए दिन कर्फ्यू ही लगता रहता था, वो घाटी 8 नवंबर के मोदी के फैसले के बाद आबाद है। भारत ने फर्जी करेंसी के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की है। घाटी और देश के दूसरे हिस्सों में आतंकवाद पर भी जोरदार वार हुआ है। बीते 30 दिनों में नोटबंदी के असर की पड़ताल कर रही जांच एजेंसियों के मुताबिक सरकार के इस फैसले से आतंकियों की फंडिंग पर शिकंजा कसा है। इसकी वजह से ही दिसंबर में घाटी में आतंकवाद से जुड़ी हिंसा की घटनाओं में 60% की कमी आई है। इस महीने यहां सिर्फ एक बम धमाका हुआ। इसके अलावा नोटबंदी की वजह से नक्सली गतिविधियों पर भी चोट पहुंची है। वहीं भारत में हवाला एजेंट्स के कॉल ट्रैफिक में भी 50% की कमी आई है। नोट के डिजाइन में क्रांतिकारी बदलाव और नए सुरक्षा फीचर्स की वजह से सीमा के पार भी जाली नोट के धंधे पर बुरा असर पड़ा है। सूत्रों की माने तो एजेंसियों की पड़ताल में ये पता चला है, पाकिस्तान अपने क्वेटा स्थित सरकारी प्रेस और कराची के एक प्रेस में जाली भारतीय करेंसी छापता रहा है। नोटबंदी के बाद पाकिस्तान के पास जाली नोटों की दुकान बंद करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। बता दें कि 8 नवंबर 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। उन्होंने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। अपने संबोधन में उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए जाली नोटों के कारोबार पर लगाम कसे जाने की जरूरत पर जोर दिया था। अधिकारियों का कहना है कि भारत में चल रहे अधिकतर जाली नोट 500 और 1000 के ही हैं। पीएम ने हाई लेवल रिव्यू मीटिंग किए, जिनमें नोटबंदी का कश्मीर में पाक समर्थित आतंकवाद, जाली करेंसी और माओवादियों के फंडिंग नेटवर्क पर असर के बारे में चर्चा हुई, जिसमें ये बात सामने आई कि कैश की कमी की वजह से स्थानीय असामाजिक तत्व पत्थरबाजी के लिए युवाओं को लुभा नहीं पा रहे। तो वहीं नक्सलियों की कार्रवाई हुई है, जिससे नक्सलियों पर आत्मसमर्पण का दबाव बढ़ा है।